ऑब्जर्वरीज होते हैं तो उनका डिफरेंट यूजेस किस तरीके से किए जाते हैं इन डिफरेंट सेंटेंसेस, वो हम सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए लास्ट सेशन से हमने बहुत सारे मॉडल ऑब्जर्वरीज के मुतालिक पढ़ा था जिन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, और हमने देखा था कि हेल्पिंग वर्ब्स जो होते हैं उनका यूज होता है डिफरेंट सेंटेंसेस को किस तरीके से अलग अलग टेंसेस में चेंज करने के लिए अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट्स एंड टेंसेस हेल्पिंग वर्ब्स का यूज किया जाता है। कुछ पर्टिकुलर मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं जिनका इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंसेस में किया जाता है विद डिफरेंट मीनिंग्स, अलग अलग मानी के तौर पर। तो आज हम सीखेंगे कि आम बोलचाल में जो खास तौर पर जिसका इस्तेमाल किया जाता है जिन मॉडल ऑक्सिलरीज का अलग अलग मानी में, वो आज इस सेशन में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी में का इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल may is used for permission, permission के लिए, permission demand करने के लिए, किसी चीज की permission मांगने के लिए, इजाजत मांगने के लिए may का इस्तेमाल किया जाता है। For example, dear student, जैसे जब आप क्लास में दाखिल होते हैं then you ask your teacher, may I come in sir? आप पूछते हैं may I come in sir? तो यहाँ पर हम may का इस्तेमाल कर रहे हैं to take the permission, हम क्लास में दाखिल होने की परमिशन मांग रहे हैं हमारे क्लास टीचर से। तो इस तरीके से मे का इस्तेमाल जो है वो परमिशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो और दूसरे भी एग्जांपल हम देख सकते हैं, जैसे मे आई लीव नाउ, जब हम कहते हैं मे आई लीव नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं, तो यहां पर भी हम परमिशन मांग रहे हैं। तो याद रखिए कि मे का इस्तेमाल फॉर परमिशन ग्रांट करने के लिए, इजाजत मांगने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से अब हम परमिशन मांग रहे हैं तो परमिशन अलाउ करने के लिए भी मे का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर व्हेन वी एंटर द क्लास वी आस्क अवर टीचर मे आई कम इन सर और मे आई कम इन मैडम, तो टीचर यहां पर कह सकते हैं यस यू मे। तो यहां पर हम मे का इस्तेमाल जो टीचर कर रहे हैं वो परमिशन ग्रांट करने के लिए कर रहे हैं, यानी वो हमें परमिशन दे रहे हैं यस यू मे, हाँ तुम आ सकते हो। तो इस तरीके से मे का इस्तेमाल परमिशन मांगने के लिए भी किया जाता है, इजाजत तलब करने के लिए भी किया जाता है, और इजाजत दी जाती है उस वक्त भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जब हमने देखा कि हम कहते हैं मे आई लीव नाउ, क्या अब मैं जा सकता हूं, तो यस यू मे लीव, हाँ आप जा सकते हैं। तो यस यू मे लीव जब हम कहेंगे इट मीन्स वी आर गिविंग द परमिशन टू लीव, हम जाने की परमिशन दे रहे हैं। तो इस तरीके से मे का इस्तेमाल परमिशन के लिए होता है, परमिशन देने के लिए भी और परमिशन मांगने के लिए भी। नाउ अदर यूज ऑफ मे इज पॉसिबिलिटी, किसी चीज की जब मुमकिना कोई बात हो, मींस इट मे बी हैपन और नॉट हैपन, हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और उस ताल्लुक से अगर हम श्योर नहीं है, जैसे व्हेन वी से इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो अब यहां पर पॉसिबिलिटी है कि बारिश हो, बट कहने वाला यहां पर बिल्कुल श्योर नहीं है कि होगी ही। और अगर हम इस तरीके से भी कहें कि हियर द पॉसिबिलिटी ऑफ द रेन इज 25%, यानी 25% जो पॉसिबिलिटी की बारिश हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। तो जब हम किसी बात पर बहुत ज्यादा श्योर नहीं होते हैं और उस चीज की पॉसिबिलिटी हो सकती है, तब भी मे का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने देखा कि इट मे रेन टूडे, आज बारिश हो सकती है, हो सकता है बारिश हो भी या ना भी हो। तो इस तरीके से मे का इस्तेमाल जो है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी किया जाता है, लेकिन उस वक्त किया जाता है जब हम श्योर ना हो, बिल्कुल श्योर ना हो कि बारिश होगी ही, उस वक्त मे का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरीके से माइट का इस्तेमाल होता है, तो माइट एक्चुअली इट इज द पास्ट ऑफ मे का पास्ट है। तो जनरली कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो प्रेजेंट फॉर्म में होते हैं तो मे का इस्तेमाल होता है, उसी को जब हम पास्ट में चेंज करते हैं या पास्ट फॉर्म में होता है तो माइट का इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल के तौर पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो हमने एग्जांपल से देखी थी, उसमें अगर कोई मे का सेंटेंस है और उसके जब हम पास्ट में चेंज करते हैं तो वो माइट में चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि ही सेड आई मे अटेंड द मीटिंग, उसने कहा कि मैं मीटिंग अटेंड कर सकता हूं। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है पास्ट टेंस में, अब इसको जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेंटेंस से बनेगा ही
told that he might attend the meeting. इस तरीके से तो यहां पर हम कहेंगे कि उसने कहा कि वो मीटिंग अटेंड कर सकता था, पॉसिबिलिटी. तो यहां पर मे का पास्ट माइट. तो इस तरीके से मे जो है प्रेजेंट फॉर्म में इस्तेमाल होता है, माइट पास्ट फॉर्म में होता है, मीनिंग सेम होते हैं. जहां पर हम मे इस्तेमाल करें वहां माइट इस्तेमाल करेंगे तो पास्ट फॉर्म हो जाएगा. तो हियर वी कैन सी दैट देयर आर डिफरेंट यूजेस ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी मे. तो इस तरीके से आप डिफरेंट सेंटेंसेस में देख सकते हैं कि अलग अलग मानी में मे का इस्तेमाल होता है. तो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरीके से हम मे का इस्तेमाल करते हुए अलग अलग मानी में सेंटेंसेस बना सकते हैं. अब नेक्स्ट सेशन में हम जो दूसरा मॉडल ऑक्सिलरी है कैन, उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में, वो देखेंगे. टिल देन, गुड बाय.